बंडल लोड काउंटिंग मशीन। बंडल लोड काउंटिंग मशीन का मेन जो एप्लीकेशन होती है, जो गड्डी होती है जिसमें रबर बैंड लगा होता है या तो स्टेपल पिन लगा होता है, उसी को सिर्फ काउंट करने होता है। या तो जो लूज नोट होगा उसको आप रबर बैंड लगा के काउंट कर सकते हैं। दो मॉडल्स है उसमें आता है, ये है फ्लोर मॉडल और ये है टेबल टॉप। ये टेबल के ऊपर रख के आप इसमें काउंट कर सकते हैं। ये फ्लोर मॉडल है, उस टेबल हाइट को मेंटेन करने के लिए इसको फ्लोर मॉडल कहते हैं। दोनों मॉडल का कोई प्राइस डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें तीन चार फंक्शन होता है। पहले मैं आपको नॉर्मल काउंटिंग दिखा रहा हूँ। जैसे ये गड्डी है मेरे पास, इसको आप काउंट करना है। स्पैंडल रिलीज कर देता है बिकॉज 100 नोट्स है, इसलिए हम चेक मोड कर रहे हैं। इसमें चाहे 100 नोट्स हो चाहे 50 नोट्स हो, जो भी हो, इसको काउंट करेगा और उनको रिलीज कर देगा। कितने नोट्स आपका आपका डिस्प्ले में आ जाएगा। जैसे इसमें 93 नोट्स है, इसमें बीपिंग कर रहा है, इसको आप रीसेट बटन दबाएंगे तभी छोड़ेगा। क्या बता रहा है इसमें कि इस बंडल में पूरी 100 नोट्स नहीं है। इसके अलावा इसमें मोड के थ्रू आपने सारे डिफरेंट फंक्शंस चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने चेक मोड पे 100 नोट्स है, इसको रिलीज कर देता है। मैंने आपको पहले दिखाया था, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 100 नोट्स है, ये रिलीज कर देता है। 100 से कम नोट है उसको बीपिंग करता है, आपको इंटीमेट करता है कि 100 से कम नोट है। नेक्स्ट फंक्शन इज बैच। जैसे आप बैच मोड से आप बैच पे जाएंगे, बैच पे जाने के बाद सपोज आप इस पूरी बंडल है, आप किसी को पेमेंट देना चाहते हैं, आप 40 नोट्स करना चाहते हैं, बैच में जाकर आप 40 नोट्स इसमें आप प्रोग्रामिंग करेंगे, तो ये क्या करेगा, एग्जैक्टली 40 नोट्स गिनने के बाद ये रुक जाएगा। ये 40 नोट्स, इसको आपको रिलीज करने के लिए रीसेट बटन दबा के यहाँ पे उंगली रख के निकालना पड़ेगा। ये आपका 40 नोट्स है, आप देखें रेस्ट 60 नोट्स आपके बंडल में बच जाती है। उस नेक्स्ट फीचर से स्टाम्प मोड। स्टाम्प मोड पे क्या होता है, इसमें ये स्टाम्प मोड सिर्फ एप्लीकेबल 100 नोट्स में होती है, जब आपके बंडल पूरी हो। तो ये हमारे पास अभी 100 पूरी हो, जैसे हमारे पास स्टाम्प बोर्ड पे हम जा रहे हैं। अभी स्टाम्प बोर्ड पे जाने के बाद ये क्या करेगा, पूरी 100 नोट्स को एक स्टाम्प करेगा, एक ओके की मतलब ये बंडल